Realme X7 Max फाइनली इस फोन की लॉन्च डेट जो है वो इंडिया कंफर्म हो चुकी है, और यहाँ पे कंपनी ने टीज कर दिया है और प्राइस भी कंफर्म हो गया है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो Realme X7 Max है, अब यहाँ पे बहुत दिनों से ये खबरें आ रही थी कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फाइनली कंपनी ने बोल दिया है कि 31 मई को ये फ़ोन ऑफिशियल इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अब मतलब कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं है, बहुत ज़्यादा जल्द ये फ़ोन लॉन्च आने वाला है, तो आई थिंक अच्छी बात है क्योंकि ये फ़ोन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी हो रहा था। रियलमी GT न्यू का रीब्रांडेड हो रहा है रियलमी X7 Max, तो आई थिंक अच्छी बात है ये फ़ोन आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। प्राइस भी लिखा गया है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, बट उससे पहले हम बात करते हैं इस फोन के कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ बिल्ड डिज़ाइन में, एकदम रियलमी GT न्यू जैसा होने वाला है लुक, दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगेगा और अच्छा लगेगा फ़ोन, और बहुत ज़्यादा स्लिम होने वाला है गाइस। जो आप बोल सकते हैं वेट भी है वो भी बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, तो भाई फ़ोन आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील करवाएगा। डिस्प्ले में यहाँ पे आपको 6.43 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले मिलेगा, सुपर एमोलेड होगा, और यहाँ पे आपको साइड पंचोल मिलने वाली है, और 120 रिफ्रेशिंग रेट भी आपको देखने मिल जाएगी, जो आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। तो आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने मिल जाने वाला है। आगे चिपसेट में यहाँ पे आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 वाला चिपसेट भी मिल जाएगा, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कैमरा से बात कर लेता हूँ, मेन कैमरा जो होगा वो 64 मेगापिक्सल का होगा, देन अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का होगा, एक और लेंस आपको देखने मिल जाएगा। सेल्फी में यहाँ पे जो है वो आपको साइड पंचोल के साथ 16 पिक्सल की सेल्फी देखने मिल रही है, तो ओवरऑल वो भी आपका अच्छा काम कर देगी, तो ओवरऑल कैमरा जो ऑन पेपर्स अच्छे ही लग रहे हैं। बैटरी अगर बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, टाइप से मिलेगा, और 50 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने मिल जाएगी, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। अब ये देखिए 4500 से ज़्यादा नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर ये 5000 करते तो फ़ोन इतना स्लिम नहीं होता, क्योंकि फ़ोन को स्लिम रखना था, डिज़ाइन वाइज भी देखना था, दैट्स वाई 4500 mAh की बैटरी आपको दी गई है। UI में Android 11 आपको आउट ऑफ बॉक्स मिलेगा, एंड ये आप लोगों को Realme UI के साथ रन करने वाला है। ये है पूरा यहाँ पर Realme का Realme GT न्यू रीब्रांडेड का Realme X7 Max जो इंडिया में आ रहा है आपको 31 मई को, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है और बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशंस है। अब फाइनली बात कर ली जाए प्राइस के बारे में। हाँ तो भाई प्राइस क्या है इस फ़ोन का, देखिए प्राइस जो लीक निकल के आया है अगर वो उस हिसाब से हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया प्राइस निकल के आ गया है, 27,999 रुपीज़। मतलब आपको पता है MI 11X जो है वो Snapdragon 870 के साथ आया, वो आपको 29,999, मतलब 30,000 रुपये मिलता है वो आपका, मतलब फिर ऑफर में देखते हो तो कम का आता है, मगर जो बेस वेरियंट का प्राइस जो रियल प्राइस है वो 30,000 रुपये। अगर इसका फ़ोन का प्राइस रियल 28,000 रुपये होता है तो डेफिनेटली गाइस मार्केट में ये बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, क्योंकि 8 GB RAM और 128 GB की मैं बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली अगर रियलमी इस प्राइस का लॉन्च करता है तो डेफिनेटली मार्केट में बहुत बड़ा ज़्यादा काम होगा, बहुत अच्छी बात होगी, और लेट्स सी क्या रियलमी करता है कि। और हाँ, इसकी सेल जो 4-5 दिन बाद हो सकती है, ज़्यादातर चांसेस यही है, हमें लग रहा था 4-5 जून में आएगा, बट उन्हें 4-5 दिन पहले ही कर दिया लॉन्च, एंड मुझे लगता है जून से ही आपको स्टार्टिंग हो जाएगा मिलना भी, तो डेफिनेटली अच्छी बात है। रियलमी X7 Max आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा जल्द मिलने वाला है, तो जो जो इंतज़ार कर रहे थे गेमिंग स्मार्टफोन का, और बहुत सारा मतलब भाई जिन्हें तो प्राइस में गेमिंग बहुत अच्छी चाहिए, डिस्प्ले अच्छा चाहिए, बैटरी अच्छी चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए थी, रियलमी की ब्रांडिंग भी चाहिए है, तो भाई उनके लिए फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। बताइए कमेंट करके कि प्राइस कैसी लगी, लॉन्च डेट कितना इंतज़ार कर रहे हो, प्राइस क्या लगा, क्या और कम होना चाहिए, क्या और ज़्यादा होना चाहिए, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और कल का वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने तो वो भी जाके जरूर से देख लीजिएगा, MIUI 13 के ऊपर मैंने वो वीडियो बनाया हुआ था, नहीं देखा है तो वो भी जाके चेकआउट कर लो, और ये मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक भी कर देना, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर देना, कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बस बताइए कमेंट करके रियलमी के X7 Max के बारे में, मुझे अच्छा लगा है फ़ोन पर्सनली, बट लेट्स सी अगर ये under 30,000 रुपीज़ आता है तो ठीक, क्योंकि देखिए 28,000 रुपये में आएगा, फिर आप ऑफर्स भी लेंगे, जब ऑफर्स भी आते हैं कुछ ना कुछ, तो आपको अराउंड 25,000 से 26,000 रुपये मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया डील होने वाली है, तो याद रखना थोड़ा सा इंतज़ार करके लेना, क्योंकि आगे आपको ऑफर्स भी मिलने वाले हैं, तो इसलिए एकदम झट से मत ले लेना जब लॉन्च हो। बस गाइस बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।